असलमकम नाजी शामी रोहानी टी वी के साथ एम ए शामी आपकी खिद में असर है दो हज़ार बाईस आने वाला है और हमारे हमारे अदारे की तरफ़ से हमारी टीम की तरफ से आप सबको दो हज़ार बाईस मुबारक हो और उम्मीद है कि ये नया साल आपके लिए खैर व का हो, नई खुशियों का हो और नई मसरतों का हो लेकिन जिंदगी के साथ अतार चढ़ाव है और यही अतार चढ़ाव को जानने के लिए हम इस्ट्रोलोजी का और न्यूमरालोजी का इमदाद का सहारा लेते हैं इससे पहले हमने नमरोलोजी के लिहाज से एक से लेकर नौ तक की वीडियोस बनाई हैं अब एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बारह बरूज की वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें आपको छोटी सी वीडियो में पूरे साल का खुलासा बता दिया जाएगा कि आपके साथ होने वाले मामलों में क्या चढ़ाव हो सकता है ज़िंदगी किस तरफ किस रंग में जा सकती है क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं तो अहम डेटें भी बताएंगे उन डेटों के मुताबिक अपनी जिंदगी प्लानिंग कर लें साल की प्लानिंग कर लें ब्रीफ ही कोशिश करेंगे हम मंथली प्रोडिक्शन में या वीकली प्रोडक्शन में आपको साथ साथ गाइड कर दें तो बर मेहरबानी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आपके लिए मजीद बेहतर काम कर सकें इसी तरह साल के लिहाज से अगर हम एनालिसिस किया जाए वैदिक स्टॉलोजी के मुताबिक एनालिसिस किया जाए तो साल 2022 ऐसा साल होगा ज़िंदगी का कि पूरी ज़िंदगी आपकी चेंज हो जाएगी इससे पहले आपने देखा होगा कि मुख्तफ साल जो पिछले साल गुजरे उसमें मुख्तु उतार चढ़ा हुआ है लेकिन उतार चढ़ाव को आप बैलेंस करते रहे लेकिन ये साल जिंदगी का ऐसा आएगा ज़िंदगी का जो कि आप उसको अनमिट नकूश आपकी ज़िंदगी में छोड़ सकेगा और ज़िंदगी को आप भूल नहीं सकेंगे कि ये खुशी और गमी के मामले दोनों तरफ से हो सकते हैं इसकी डिपेंड करता है कि आपके पदेसी जाचे में कौन से प्रॉमिस बने कौन से योग बने उनकी मुताबिक क्या रिजल्ट आएगा लेकिन यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि ये इसका बात कंफर्म है कि जो आप ज़िंदगी किसी भी शोबे से रखते हो बुरजे हमल वाले ये साल आपकी पूरी ज़िंदगी को 180 डिग्री चेंज कर देगा और अगर आप इसके लिए अब तौर पर तैयार नहीं हुए तो कागज़ पेंसिल ले लें और अहम डेटे नोट करने शुरू कर दें ताकि हम आपको गाइड कर सकें वीडियो को पूरा देखिएगा बड़ी कैलकुलेटर और एथेंटिक वीडियो बनाइए ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर गाइड कर सकें साल का आगा जो है आपका काल पुरुष आ, काल पुरुष कुंडली के मुताबिक जो आपका पैदासी जायसा जो आपका नेचुरल जोटिक साइन है आपका मार जो है लगन के लगन से आठवें घर बैठे हैं तो कोई भी प्लान जब आठवें घर बैठता है और केतु के साथ बैठता है तो ज़िंदगी में बड़े अतार चढ़ाव लेके आता है एक नई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्यों नहीं कि जो आप ज़िंदगी में लाजमी तौर पर से सोच रहे होंगे कि जो माजी में पहले कैलकुलेशन हो चुकी है गलतियाँ कमी बेशी हो चुकी है इस साल को बेस्ट प्लानिंग की जाए और अलीहदा बैठ के सोचेंगे खुफ़िया तरीके से सोचेंगे जो आपके मुख्त में ख़ुफ़िया प्लानिंग चल रही होगी कि आप जिंदगी को संभ्यतर से ड्राइव कर सकें और आपको ऐसे खुफ़िया मौके भी मिलेंगे हालात तो वाक़ भी पैदा होंगे जिससे ज़िंदगी को आप नए प्लान कर सकें नए हालात वाक़ की तरफ लेके जा सकेंगे सियारों की पोजिशन कुछ इस तरह है कि सियाल के शुरू में ही जब 2022 आपका आगाज़ होगा तो सियारा शम्प बुरज कौस में होगा कमर बुरज अक्रब में होगा अतारत बुरज जदी में होगा जोहरा बुरज कौस में मरीख बुरज अक्रब में जोहल कैप्टिकोन में जद्दी में और मुश्तरी बुरज दल में और केतु बुरज अक्रब में और इस साल जो अहम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बन रही है कि आपके साल का आगाज़ ही आपका काल सर्प योग से हो रहा है तो काल सर्प योग ऐसा योग होता है जो जिंदगी में एक नई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है जब ये उस वक्त बनता है जब राहु केतु के में तमाम सारे स्यारे इकट्ठे होते हैं ये हाईली कार्मिक एनर्जीज भी डेवलप करता है कार्मिक एनर्जीज का मतलब कि माजी में जो गलतियाँ मामलात हो चुके हैं जो वाक़त हो चुके हैं पिछली ज़िंदगी के वाक़त आपके सामने रिपीट हो सकते हैं पिछले ख्वाब नज़र आ सकते हैं पुराने लोग नजर आ सकते हैं पुराने हादसा वाक़त आपके जिन में रिपीट हो सकते हैं या वो लोग भी आपके सामने आ जा सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में पहले गुजर चुके हैं अच्छे या बुरे दोनों मामलों में वो आपके सामने दोबारा आ सकते हैं रिपीट हो सकते हैं तो लिहाजा इस कार्मिक में के इशारों को समझें और माजी में जो गलतियाँ हैं, हैं उनको दुरुस्त करें और उनको मज़ीद होने से बचाएँ अपने आप को साल के लिहाज से अगर अब एनालिसिस किया जाए कि जिस साल जो अहम योग बनेंगे इसमें नीच भंग योग बनेगा विपरीत राज योग बनेगा ये ऐसे योग बनेंगे जो आपके ज़िंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देंगे तब्दील कर देंगे दसवें घर में आपका जो है आपका योग बन रहे हैं नीच बंग योग बनेगा और इसके साथ जो आपका विपरीत राज योग बनेगा छठे आठवें बारहवीं के कॉम्बिनेशन से तो ये आपके ऐसे योग बनेंगे जो ज़िंदगी में आपको पूरा वेरिएशन लेके आएंगे ऐसी ज़िंदगी को पूरा हालात वाकई में आपको ट्रांसफर्म कर देंगे तब्दील करके रख देंगे सारा मुश्तरी आपको तेरह अप्रैल को बुरजे दल से बुरज हॉथ में आएगा यह बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है साल की इंपॉर्टेंट डेटों के लिहाज से तेरह अप्रैल से बुरजे दल्स से बुरजे हौथ में आएगा उनतीस जुलाई से तीस तेईस नवंबर तक इलेक्ट्रिकेट रहेगा और तेईस फरवरी से सत्ताईस मार्च तक ये कम्पस्ट रहेगा ये डेटे तो आपको बता रहे हैं कि आपकी हालात में वाक्यात में अचानक तब्दीलिया की आएंगी कैरियर के लिहाज से रिलेशनशिप के लिहाज से और आपके हाउस ऑफ गेन के लिहाज से यानी कि ज़िंदगी में जो हाउस ऑफ गेन होता है जहाँ से आपको हासिलत हासिल होते हैं सोशल नेटवर्किंग होती है उन मामलों में काफ़ी तब्दीली लेके आएगा इसी तरह सारा जोहल जो है उनतीस अप्रैल को बुरज जदी में आएगा बुर्ज जदी में कैप्रिकोन में आएगा बुर्ज जदी से बुर्ज एक्वेरिस में आएगा कैप्रिकोन में तो मौजूद है एक्वेरिस में आएगा और 5 जून से 23 अक्टूबर रेट्रोगेट रहेगा हालत रजत में रहेगा और 12 जुलाई को बुर्ज जदी से वापस आएगा और 19 जनवरी को 21 फरवरी तक ये कम्बस्ट रहेगा ये जो कम्बस्ट का मतलब है ये अस्त होने का मतलब है कि सूर्य के जब करीब आएगा उसकी डिग्री तो ये अपनी परफॉर्मेंस में वेरिएशन लेगा वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा ये वक्त आपके कैरियर के लिहाज से ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से नई तब्दीलियाँ और नए वाक़ को लेकर आएगा इन डेटों को मद्देनजर रखें अहम फैसले करते वक्त तो उन मद रखें कैरियर को शिफ्ट करना चाहते हैं जॉब चेंज करना चाहें जॉब की स्विचिंग करना चाहते हैं कारोबार में कोई नई तब्दीली लाना चाहते हैं तो कैपरिकॉन को मद्देनज़र ज़रूर रखें कैपरिकोन साइन को जिसमें क्या आपको सारा जहल मौजूद है उसकी मूवमेंट पर नज़र रखें इन्हीं इंपॉर्टेंट डेटों में आपके कैरियर में डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट फैसले होने हैं मुस्बत या मनफी ये फैसला करता आपके पदासी जाचे का जब प्रॉमिस क्या बने हुए हैं तो जुपिटर और सेटन दोनों अपने घर तब्दील हो रहे हैं इसके साथ राहु केतु भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो राहु केतु चेंज करेंगे तो बो आपका दो अप्रैल को बुरज सौर से बुरज हमल में आएगा और आपके बाद जो इसी तरह केतु बारह अप्रैल से हो बुरज्रब से बुरज मैजान में आएगा यानी आपके फर्स्ट और सेवन्थ एक्सेस में आ जाएगा लगन में और सातवें घर में तो ये साल आपको इस तरह समझ लें कि आपकी ज़िंदगी में नई तब्दीलियों के साथ आपकी शराखती ज़िंदगी जिन लोगों की शादी शादीशुदा ज़िंदगी है अजदवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ आएंगी और इसी तरह आपके ज़िंदगी में जो अज्दवाजी लिहाज से अतार चढ़ा आएगा ऐसी वेरिएशन आएंगी जो उससे पहले आपने नहीं सोचेगी शरात दारी के मामलत में कारोबारी लिहाज से आपके अज्वाजी ज़िंदगी के लिहाज से हो सकता है ये साल आपको अज्वाजी ज़िंदगी के लिहाज से आपको नए फ़ैसले भी करने पड़ दें और नए फैसलों के लिहाज से आप ये भी कोशिश करें कि पिछला रिश्ता कट ऑफ हो जाए और नया रिश्ता बने या नई प्लानिंग कर सकें लेकिन बहुत सेंसटिव इशू है इशू है क्योंकि जब एक्सिस में आते हैं फर्स्ट और सेवन्थ में राहू केतु आते हैं तो शादी और अस्वाजी ज़िंदगी को लाजमी तौर पर डिस्टर्ब करते हैं अगर आपके पदाशी जाचे में अच्छे हालत में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे और अगर नेगेटिव बैठे हुए तो आपका बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं शिरकयात से दूरी पैदा हो सकती है श्रिकात की हेल्थ इशू डेवलप हो सकते हैं शराती मामलों में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है शराकतदारी टूट सकती है या नई शराकत दारी के मौके भी मिल सकते हैं तो ये डेटे बहुत इंपॉर्टेंट है अप्रैल के बाद का वक्त बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव है, है। उसका खुशी मद् नजर रखें इस साल जो ग्रहण की डेटें हैं दो ग्रहण ग्रहण के लिहाज से जो हम डिस्कस करेंगे कि एक तो आपको सूर्य ग्रहण आएगा तीस अप्रैल को बुरज हमल में और पच्चीस अक्टूबर को बुरज मैदान में आएगा ठीक है तो ये दो ग्रहण की डेटें जो है सूर्य ग्रहण की राशि उनको मद्देनजर रखें इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर तक या फैसला कर तक तो उसको मुताद कोई फैसला ना करें वो ग्रहण जिन घरों में लगेंगे फिर हम डिस्कस भी करेंगे अलहदा उनकी वीडियोज भी बनाएंगे चांद ग्रहण दो ग्रहण लगेंगे पहला ग्रहण सोलह मई को बुर्ज मैदान में और आठ नवंबर को बुर्ज हमल में आपके लगन में लगेगा दोनों इंपॉर्टेंट है राहु केतु के साथ इनके ग्रहण दोष बनेंगे और बड़े सेंसिटिव हैं ग्रहण दोष जब भी बनते हैं ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लेके तो ले आते नई तब्दीली तो लेके आते हैं नए हालात और वाकत को मद्देनज़र रखते हैं लिहाजा ये डेटें भी इंपॉर्टेंट होंगी और इन डेटों के करीब एक हफ़्ता पहले या एक हफ़्ता आगे तक कोई खामोशी इख्तियार करें कोई ऐसा फ़ैसला ना करें जो ज़िंदगी में आपको ज़िंदगी में नई गड़बड़ लेके कर या नई परेशानियाँ लेकर आ सके और उस वक्त ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट हो भी रहे होते हैं जैचेक एनालिसिस की रहें तो ऐसे इवेंट्स के आपके मौके मिल रहे होते हैं लेकिन उस वक्त आप कोशिश करें कि चीज़ों को कैलकुट करें कैलकुलेट करें एवेल करें ताकि गलत फैसला ना होत के लिहाज अगर हम कैलकुलेशन करें अगर तो इस साल आपको सेंसिटिव इशू है, है अमराज मैदा के लिहाज से नज़ाम हज़म की बीमारियाँ आ सकती हैं स्ट्रेस आ सकता है क्योंकि राहू केतु आपके एक्सर्स में आएंगे तो लाजमी तौर तो पर आपके जहन में स्ट्रेस ज़रूर आएगा एंगजाइटी आएगी डिप्रेशन आएगा और जब साया ग्रह आते हैं तो आप ज़िंदगी में आपके लगन में साया डालेंगे तो ऐसा समझ लें कि आपकी ज़िंदगी में एक एंग्जाइटी के साथ एक डिप्रेशन भी पैदा होगा जो कि आपको कई डिसीजन मेकिंग के लिए आज से आपको पूर कर सकता है कमज़ोर बना सकता है और उस वक्त आप जल्दबाजी में जल्द पन में कोई गलत फ़ैसला करें तो जो बाद में आपको भुगतना भी पड़ सकता है लिहाजा एक्सिस पे जब राहू केतु आते हैं उसको तो खुशी रहना चाहिए सेहत के लिहाज से आपको ये भी जरूरी है कि अतारत की हालत रजत और हालत जो है मस्तियों पर नजर रखें जिसकी तफसील हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देंगे मंथली वीडियोज़ में इन शाला तो अतारत की रेट्रोकेशन और आपकी क्योंकि अतारा कुछ छठे घर का हकम है तो रेट्रोकेशन उसकी और हालत आपकी सेहत पे अफेक्ट करेगी जहनी दबाओ टेंशन एग्जाइटी ला सकती है और आपके साथ जो केतु के साथ और राहू के साथ कम्बिनीशन बनेगा तो उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में एक नई टॉलमेंट नई तब्दील लेकर आएंगे हेल्थ के लिहाज से अगर आपको पहले से कोई बीमारी या मसला है तो इस साल आप उस चीज़ों में ज़्यादा हाईलाइट हो जाएँ ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएँ खाने पीने के लिहाज से या अपने डाइट प्लानिंग के लिहाज से ऐसे ऐसी ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके फ़ास्ट फूड और दूसरी तेज़ मसाला जहाँ से परहेज करें तो बेहतर होगा इसी तरह रिलेशनशिप के लिहाज से ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है खसूस अप्रैल के बाद मैं वाज तौर पर इज़ अफराद को कह रहा हूँ कि इनकी ज़िंदगी में एक बुचाल आ सकता है अप्रैल के बाद कुछ लोगों की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीलियाँ खुशगौार तब्दीलियाँ आ सकती हैं लेकिन जैसे ये केतु यहाँ पर शिफ्ट होगा अप्रैल के बाद आपके सातवें घर में तो सातवें घर में इसकी ट्रांसफर में के ये केतु बेसिकली साया ग्रह है जो कि आइसोलेशन के दर जाता है और जबकि सातवा घर आपको बॉन्डिंग देता है बॉन्डिंग की तरफ लोगों के साथ मिलाप कराता है आपके सोशल इमेज को ज़ाहिर करता है आपके रिले पब्लिक लाइफ को रिलेशनशिप को बेहतर करता है अजवाजी ज़िंदगी को शराखती मामलों को इंप्रूव करता है लेकिन जब वहाँ पर केतु हो आ जाएगा वहाँ पर साया आ जाएगा तो वो चीज़ डार्क हो जाती है छुप जाती है जब छुपेगी तो आपको डिसीजन मेकिंग अंधेरे में आप देखें किसी चीज़ को देख नहीं सकते अगर आप एक तजर्बा करें कमरे में लाइट ऑफ कर दें और आपकी इर्द की जो लोग चीज़ें पढ़ी हैं आप उनको जज नहीं कर सकें यही असूल यहाँ पर अप्लाई होगा जब केतु यहाँ पे आएगा तो वो चीज़ अपने आपको नजर नहीं आएगी आप उन चीज़ों को एलिजन की तरह समझ नहीं सकेंगे आप आपको उनके जहन में आपको एलिजन आएगा उनके बारे में तखीलात आएगी तस्वरत आएंगे नेगेटिव पॉजिटिव और डिसिन मेकिंग पूर होगी इस वक्त आप कोई भी गलत फैसला ना करें जिसके मैं आपको भुगत पड़े और जल्दबाजी में कोई शादी भी ना करें शादी को भी वैल्यूट करें शादी के मामले में धोखा दे भी हो सकती है तो ये चीज़ें बड़ी सेंसिटिव है इसी तरह आपका जो एजुकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए कामयाबी इस साल आपको मिल सकती है कि एजुकेशन के लिहाज से आप हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं ब्रोन मलक आपको स्कॉलरशिप के मौके मिल सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे आपका लगन लगन से जो है जुपिटर जो है ग्यारहवें ग्यारह अगर ग्यारहवें से फिर बारहवें शिफ्ट होगा जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं जुपिटर की तो आप जुपिटर आपको इमिग्रेशन की तरफ भी लेके जा सकता है फॉरन लैंड की तरफ जा सकता है और आप अला तरीम के लिए बुरमलक सफ़र कर सकते हैं कामयाबी हासिल कर सकते हैं सबसे बड़ा सवाल वेल्थ का कि बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा यहाँ पे एक बताना बात बताना जरूरी है कि ये हम जनरल रीडिंग दे रहे हैं पैदाशी जांचे के लिहाज से योग डिफरेंट होते हैं तो अगर हम इस ट्रांज़िट के लिहाज से इस साल की इरेली प्रडिक्शन दें तो ये साल आपको बड़ा कैलकुलेटेड होकर चलना पड़ेगा जहां आपको आमदन मिलेगी वहां पे आपको अखराज भी ज़्यादा बढ़ेंगे जब जूफीटर बार में घर जाएगा तो एक्सपेंडिचर में भी एक्सपेंड करेगा आपके अखराजा में अनजानी अराजात आएंगे जिसको आप पहले मैनेज नहीं कर सकेंगे और जो आपने अपने अखराज और चीज़ें नहीं सोची होंगी वो हेल्थ पे इस्तेमाल हो सकते हैं आपके हस्पाल के मामलों में खर्च हो सकते हैं एजुकेशन पर खर्च हो सकते हैं यानी नहीं आमदन होगी तो उसके साथ अखराज का भी एक शदीद दबाव होगा और जैसे जैसे वसायल आएंगे जैसे भी होंगे तो इसमें लिहाजत आमदन और अखराज में, में तोज़न रखने की जरूरत है अगर आप इसको नहीं रखेंगे तो फिर जाहिर बात है बैंक बैलेंस में थोड़ा डिस्टर्बेंस तो होगी बहरहाल इस साल की रेमडीज़ की जा सकती है रेमडीज़ के लिहाज से प्लस पॉइंट यह है कि इस साल अगर आप हर जमेर चने की चने की दाल का सदका करें किसी करीबी दरबार पे किसी मुकदस जगह पे या किसी मस्जिद में किसी जगह पे चंदा डाल दें हर जुमेरा तो जुपिटर की ब्लैसिंग हासिल होगी आपके जुपिटर आपके लिए बेहतर परफॉर्म कर सकेगा इसी तरह आप अगर हर मंगल के रोज़ जो है किसी काले कुत्ते को मीठी रोटी डाल दें बिस्कुट डाल दें तो रेमेडी भी इफेक्ट होगी क्योंकि मंगल केतु का जो मंगल बद योग बन रहा है वो उससे भी आप बचेंगे और ये नेगेटिव एनर्जी रिड्यूस होगी जब तक मंगल आपके आठवें घर में बैठा है तो उसकी साल के आगाज़ में काल सरप योग से भी बचेंगे और उसकी नेगेटिव एनर्जी से भी बचेंगे और काल सरफ के योग की काट के लिए मजीद भी आपको रेमेडी बताते हैं कि आप हफ्ते के सातों दिन ही अगर सात जनाज का सदका करें तो सात हजार मिला सद का करें तो आपके लिए बेस्ट होगा इस साल की जो परफेक्ट आपके लिए स्टोन जो हो सकता है वो आप सुरखमर मरजान पहन सकते हैं और इसके अलावा येलो यालोसफायर भी पहन सकते हैं ये दोनों स्टोन आपके लिए बेहतर हैं आपके लिए और अगर आपको इस सिलसिले में कोई रहनमई चाहिए या खुशी तौर पर कोई रेमडीज़ चाहिए इस सिलसिले में मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए तो दिए नंबर पर रबा भी कर सकते हैं आपका शुक्रिया हमेशा